मॉल रोड को छान डालूंगा, कहीं पे छोड़ूंगा नहीं। जगह से हम हैं गुलमर्ग से। मैं हमने आपसे फोन आई लव दिस टाइप ऑफ आर्ट। वो लड़का आके मेरे गाना पे बोलते बोल रहा है लोंडी चाहिए। क्राउड तो है यार, मजा आ रहा है, भीड़ भाड़ होने की तरह अच्छी लगती है घूमने में। Hey, welcome back to the channel, guys. So right now I am in Mall Road. अरे Mall Road means Shimla वाली नहीं, मनाली वाली Mall Road में हूँ। और believe me, guys, on the way Shimla to Manali, मेरे lip की हालत ख़राब हो गई, इतना crack हुआ ना cold की वजह से कि it looks like really horrible. So अगर lip भयानक दिख रहा है तो इसके लिए I'm so sorry for that. तो चलिए without waste your valuable time, ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मनाली की माल रोड कितनी खूबसूरत है। ओके, आई विल गिव यू द ब्यूटीफुल व्यू। अगेन सेम कैसा जाने से लाजे, इट्स लाइक शिमला। उधर स्नो कवर्ड माउंटेन था, अभी दिख नहीं पाएंगे आप। मैं दिन को भी ब्लॉग करूँगा तब दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ जी, नहीं थैंक यू, हाँ नहीं थैंक यू। तो यहाँ पे कोल्ड वेदर है तो कोल्ड के लिए काफ़ी सारी दुकानें वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, और सामान भी मिल जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कुछ सही लगे तो ले लूँगा। पहले इस रोड को कवर करेंगे, फिर आधे से उस साइड से करेंगे। सभी लोग कोल्ड की कपड़े वगैरह खरीदने के लिए तैयारी पे लगे हुए हैं। सब कोल्ड है यहाँ पे टेम्परेचर, और राइट नाउ समय कुछ करीबन 5:30 के आसपास हो रही है यहाँ पे, एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क। सीरियसली फूड देखता हूँ ना तो एक आई कंट्रोल, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। अगेन मोमोस, मोमोस आ जाता तो यार गुस्सा भी आता है, फिर जाके एक होटल से लगाने का भी मन। उस साइड में कुछ बढ़िया कुछ है, चलिए देखते क्या है वहाँ पे। ओके, विल डू वन थिंग, विल फर्स्ट कवर डेट साइट, आफ्टर डेट रिटर्न आते समय उधर से होते हुए आएंगे और इस चीज़ सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे उधर का ख़त्म करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती है यार। क्या क्या है इस मार्केट में, पता नहीं मुझे मेरे हिसाब से सन ग्लासेस मिलेगी या भी नहीं। नहीं, अपने हिसाब की कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलते आगे नीचे देखते हैं क्या है। यार मार्केट में घूमना पसंद है बहुत सारे। चलिए नीचे क्या देखते हैं। नहीं यार यहाँ पे अपने हिसाब का कुछ नहीं है। एक कपड़े लट्टे की दुकान है वहाँ पे जो आमतौर पे रोड के बाहर पे वैसी है।
Wow, fixed flash. ये टोपी लेना चाह रहा था कुछ पहाड़ी स्टाइल पे, पर अपने हिसाब का मिल नहीं रहा है मुझे। मैं जैसा ढूंढ रहा हूँ ऐसा नहीं मिल रही है। जो नॉर्मल से एक तो मेरे पास में ऑलरेडी है, तो दूसरी लेने की कोई बात ही नहीं बनती अगर ऐसी है तो। हाँ, जाते समय सोच रहा हूँ मम्मी के लिए कुछ ले लूँ अगर कुछ सही मिल गया तो। यहाँ पे थोड़ा क्राउड है कंपेयर टू मतलब जो एरिया है, एरिया का हिसाब से डेफिनेटली इट्स थोड़ा सा छोटा है। अब अगर शिमला के हिसाब से कंपेयर करोगे तो टेम्परेचर इज रियली कोल्ड। अब यकीन नहीं करोगे, मेरा हाथ ठंड हो रहा है। सो एक मिनट में ग्लव्स पहन लेता हूँ, फिर ब्लॉगिंग चालू करता हूँ। डन गाइस, ग्लव्स पहन लिया। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉगिंग को। सबसे पहले तो कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए यार। इटालियन कंटिन्यू, तिब्बतियन, मोमोस, मोमोस क्या वेज नॉन वेज दोनों है? वेज नॉन वेज दोनों है मोमोस। कितना है नॉन वेज का? 150 का। कितने पीसेस आएंगे? 10। और वेज में 10 पीस 100। इट्स 3 टाइम कॉस्टली मैन कंपेयर टू माय प्लेस। स्टिल मेरे वहाँ पे 50 रुपीस में मिल जाती है 8-9 पीस, या फिर 150 रुपये में वही दे रहा है। डैम मैन, क्राउड तो है यार, मज़ा आ रहा है। भीड़ भाड़ होने से अच्छी लगती है घूमने में, वरना मज़ा नहीं आता। लोग खाने में लगे हुए हैं। मेरा दिक्कत है कि मैं खाते समय ब्लॉग नहीं कर पाता हूँ, कैमरा कौन पकड़ेगा फिर? तो फिर कैमरा ऑफ करना पड़ता है, कैमरा कहीं पे रखने में भी दिक्कत होती है। एक्सक्यूज मी ब्रो, हमारे पास एक बार देख लो। हां श्योर, हो गया ओके देन ओके हमारा भी ले लो। इस ब्रोस का दुकान है ये। तो शॉल की काफी दुकान है। ये क्या है आंटी जी? मिनी गुलाब जामुन। अच्छा, छोटी वाली। आई थॉट इट इज यू नो दैट फ्रूट्स मिलते हैं ना वो वाला, सोचा था काला जामुन समथिंग, पर नहीं भाई, ड्राई फ्रूट्स। ये भी एक अलग सा मार्केट है, कहीं पे भी घुसे जा रहा हूँ पता नहीं चल रहा मुझे।
ठंड में एक ही परेशानी है यार, कपड़े बहुत सारा पहनने पड़ते हैं। अभी देखो इतने मोटे से ग्लव्स, इतने भारी वर्कम जैकेट्स, ये सब बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ा कम हो जाता तो सही होता। हेलो, नहीं अब शॉर्ट्स भी रख दो, मैं आज नहीं लूँगा, आज तो टाइम है, तो मैं मम्मी के लिए चाहिए होगा। अब थोड़ा सा दिखा सकते हो किस तरह का रहेगा, मतलब कहाँ से होते हैं ये शॉल्स एक्चुअली? बिल मतलब अब दोनों दिखाइए मुझे। मैं क्या बोलते हैं मम्मी के लिए मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से लूँ लूँ बोल के। अब कहाँ से? मैं हूँ एक नॉर्थ ईस्ट आसाम से हूँ, मैं भी पहाड़ से ही हूँ। ये है जो ये आपको यहाँ का लोकल मिलेगा, अगर ये यहाँ का लोकल। अच्छा, अगर आप हड्डी पर टेम्पल गए होगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। जो कश्मीर का रहता है वो फिर पश्मीना के डिपेंड सब, मतलब क्वालिटी वो तो अलग अलग क्वालिटी का। हाँ हाँ, सेमी पश्मीना का। अच्छा, इसका जो है सही रेट कितना है बताइए मुझे? आपको सही रेट पड़ेगा आपको 700 रुपीज़ का। 700 रुपीज़ होती है ना ये? अच्छा, बाकी इसके भी इसमें भी डिपेंड क्वालिटी करता है इसके। हाँ हाँ, भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अच्छा, अलग अलग क्वालिटी भी आती है ना, और इसका जो सही क्वालिटी है उसका नियर अबाउट 1500 to 2000 ऐसा भी चली आती है ना। और अगर कश्मीरी जो हो गया उसका कैसा हो? लाइक 2500। आपके पास में कौन सा बेस्ट है कि बस नॉर्मल हो? बेस्ट पश्मीना है हमारे पास। अच्छा, सबसे बेस्ट क्वालिटी 2500 तक आ जाएगी वो स्टार्टिंग प्राइस। स्टार्टिंग प्राइस है उसका। ठीक है ठीक है, मैं आज आज तो मैं ब्लॉगिंग के मूड में हूँ, मैं पूरा ब्लॉगिंग कर लेता हूँ आपका। हाँ हाँ, किस पे? यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब में है, आप देख सकते हो। मैं सब्सक्राइब मार लूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा फिर जब आओगे शॉप का भी डालना। श्योर श्योर श्योर, मैं अच्छे से बना के जाऊंगा। ये रही मेरे चैनल, मैं पूरा इंडिया ट्रिप कर रहा हूँ, जल्द कश्मीर भी जाने वाला हूँ मैं। यहाँ की बात में आप कहाँ? कश्मीर से हो गया? हम कश्मीर से। अच्छा, कश्मीर की कौन सी जगह से? हम हैं गुलमर्ग से। गुलमर्ग से आ रही है? मस्त जगह, मुझे पता नहीं, मुझे कश्मीरी बचपन से कश्मीरी लोगों से बहुत मतलब जुड़ाव रहा है बचपन से। वहाँ पे आपको मेहमान नवाजी नंबर वन मिलेगा कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखते रहता हूँ वीडियो वगैरह में, शिकारा वगैरह देखते रहता हूँ। उठाना कश्मीर की जो जो रियलिटी है वो लेके जाना आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कश्मीर के बारे में सबको गलत फहमी दूर हो जाए, कि कश्मीर घूमने आ जाए। फिर मिलते हैं। ओके, तो कश्मीरी भाई मिल गए, उनसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इज़ ए नाइस गुड मैन, तो कश्मीरी गाइस वेरी गुड, कश्मीरी लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, ये मुझे पहले से पता था। और आज शक थोड़ा सा दूर भी हो गया, थोड़ा बहुत भी था जो वो कंप्लीट हो गया मेरा। भाई मिल्क कितनी के? मिल्क कितनी के? 40 के। एक लगा दो, एक एक ग्लास बना दो। अच्छा, रियली कोल्ड, सो थोड़ा दूध दूध पी के गर्म किया जाए खुद को। अंदर बैठ सकता हूँ क्या? छोटी वाली गुलाब जामुन काफ़ी क्यूट सा देखती है, जलेबी वगैरह भी है काफ़ी। यार इतनी मीठी, ओ मस्त है ये जंगल, लाइट के अंधेरे पे, आई मीन लाइट के उजाले में थोड़ी सी अंधेरे जगह भी काफ़ी अच्छी दिखने लगती है। नहीं दही बड़ा नहीं। यहाँ पे भी मार्किंग नहीं, अभी नहीं दैम फैलो दैट गाय आस्किंग मी।
यार अजीब सा फनी इंसिडेंट हो गया। वो लड़का आके मेरे कान में पूछे बोल रहे हैं लोंडी चाहिए क्या, लोंडी चाहिए क्या। थप्पड़ लगाने का मन कर रहा था पर फिर से झगड़ा झगड़ने करना फिर घूमने फिरने में दिक्कत हो जाती है। इन लोगों का अलग अलग ग्रुप रहता है। एक होटल है यहाँ पे, आई थिंक आई वॉज लुकिंग फॉर दैट होटल ओनली। लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ओके दिस इज द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। द स्नो माउंटेन, इतनी सारे फूड के लिए यहाँ पे दिख रहा है ना, मैक्सिमम मैंने देखा यहाँ पे स्वीट ज़्यादा है, स्वीट मोमोस एंड कॉर्न्स। चलिए इस बार उस साइड चलता हूँ मैं, उस साइड में क्या देखता हूँ। तो गोलगप्पे भी है यहाँ पे। नहीं 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 मुझे रोड की सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। शिमला इज़ मच क्लीन कम्पेयर टू यहाँ से, यहाँ से काफ़ी क्लीन है और थोड़ा ऑर्गेनाइज है। पहले घूम लेते फिर खाया पिया जाएगा थोड़ा सा। ओह तेरी, वहाँ पे क्राउड देखो फिलहाल इस समय कितनी क्राउड है। आई थिंक बिकॉज ऑफ वीकेंड, और पता नहीं शिमला में कुछ ज़्यादा ही क्राउड है, सॉरी मनाली में कुछ ज़्यादा ही क्राउड है एज़ कम्पेयर टू शिमला। ये आगे दुर्गा माता की मंदिर है, ये ये पहाड़न नहीं है। चले कहीं पे बैठते जाके एक दो मिनट।
Wow. यूनिक चाय बार 25 टाइप्स ऑफ टी ट्राई करना कभी आपको बाबा चाय बार पहाड़ों में चाय की काफ़ी डिमांड रहती है He's a street artist and he's doing well for this. I love this type of art and they are doing their best. So you see how the किस तरह से लोग करते हैं एक तरह का आर्ट होता है ये स्ट्रीट आर्ट इट्स नॉट अ इजी थिंग आप इतने सारे लोगों के भीड़ में बैठ के अकेले होकर भी एक अलग अलग टाइप के कैरेक्टर प्ले करते हो सो ही इज़ डूइंग आई डोंट नो उनका क्या मजबूरी है पर ही डूइंग हिज लेवल बेस्ट तो चलिए थोड़ी सी बैठते हैं कहीं पर और फिर निकलते हैं आगे बहुत कुछ है यहाँ पर ब्लॉग के लिए दिखाने के लिए चार्ट करना आई डोंट नो क्या क्या चार्ट बनाते हैं आई एम फीलिंग टू ट्राई दही भल्ला यार लीप एकदम बहुत ही भयानक तरीके से क्रैक हुआ है और इतना ड्राई हो गया ना कि हर बार लिप को वेट करते रहना पड़ रहा है ऐसा हो गया और बेस्टिन वगैरह है मेरे पास में पर मेरे को वही सुस्ती होता है यार यूज करते समय मुझे याद ही नहीं रहता कि उसको यूज करनी है लिप में बेस्टिन वगैरह लगाया करूँ ना तो सही रहता है पूरा क्रैक हो गया एकदम चलिए पहले ट्राई करते हैं थोड़ा सा कुछ खाने के स्पेशल ट्राई दही भल्ला भाई दही भल्ला हो जाएगी अभी कितनी क्या कितना 80 रुपीज़ का एक दही भल्ला कर दो ना प्लीज बेस्ट बना दो अपना जो भी बेस्ट है बना दो ट्राई करते हैं कि दही भल्ला कैसे बनाते हैं भाई सही वैरायटी है इट्स अ फेवरेट पाव भाजी और ये टिक्की टिक्की बन रहा है ना ये टिक्की बन रहा है ना अभी मैं खा के पे करूँ इट्स लुक प्रीटी ऑसम पता नहीं खाने के बाद देखता हूँ कैसे लगता है ये Yeah, it's good. सच बोलूँ तो I'm not feeling much hungry actually. I think सफ़र के लिए पर इतना कुछ देख देख के ना खाने को बहुत मन कर रहा है क्या खाऊँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है पपड़ी चाट खाने को मन कर रहा था तो खा लिया सही था ठीक ठाक ही था इतना बेहतरीन भी नहीं बोल सकता हूँ पर इतनी बुरा भी नहीं था सही था अभी नेक्स्ट क्या ट्राई करें दे डेकोरेटेड सो ब्यूटीफुली दैट्स गुड लव मनाली ग्रेवी मोमोज फ्राइड मोमोज अफगानी मोमोज तंदूरी मोमोज शेजवान मोमोज बट
I hate momos. I don't like. बाद में खाऊंगा चुपके से. सीरियसली उस समय से लेकर अभी क्राउड और ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर जो भी बोलो ना मज़ा आता है ऐसे क्राउड में घूमने का. ठंड में बस पहन लो जबरदस्त वाले कपड़े, गर्मी पीछे से बना रहे और बस घूमते रहो, देखते रहो नए नए लोग, नए नए जगह और हर अतरंगी लोगों के अतरंगी कारनाम में. He's here again. I love him, man. Is act like a Charlie Chaplin? Street artist. स्ट्रीट आर्टिस्ट कल्चर काफ़ी कम है यहाँ पे इंडिया में. अरे भीड़ मत नहीं सर, प्रो और समथिंग. इट्स कैफे 1986. देखिए लास्ट डे पे आऊँगा, बैठूँगा, चिल करूँगा. अब तो फिलहाल ब्लॉगिंग के मोड पे हूँ तो फिलहाल ब्लॉग करते रहता हूँ. पहले व्हाट दे आर सेलिंग मैन, अच्छा जी ये लो भाई. ये क्या है भाई, ये क्या है? कैरेट हलवा भैया, बहुत अच्छा टेस्टी होने. ठीक है, एक बना देना मेरे लिए. वन प्लेट पेटीएम दे दो. मेरे लिए बन रही है, आई ट्राई. बढ़िया भैया, लो भाई आप मेरे को फेमस करने वाले हो भाई, फेमस करने वाले. बिल्कुल. सो पहले मैं ट्राई करके देखता हूँ. हमने आपसे फोन मांगा था, तो हम स्कैन करके देते हैं ना. गिर गया आपका, अब कैमरा पकड़ो मेरा, एक मिनट रुको. यार वो भी आ गई, कोई बात नहीं, मेरे लिए अच्छा हो गया. खाने बोला था तो आधा तो वहीं पे गिर गया. कोई नहीं भाई का थोड़ा दिक्कत कर, कचरा कर दिया सॉरी भाई. कभी अच्छा भाई ने बनाया था लेकिन मैंने गिरा दिया यार. आपने इतना अच्छा बनाया फिर भी मैंने गिरा दिया आपका. बिल्कुल ठीक है, मैं पहले एंजॉय कर लेता हूँ, आप आ गए हो. ठीक है अपने को तो जिधर खाना उधर ही जाओ. समोसे वोसे फिलहाल तो कुछ तीखा उखा खाने का मन कर रहा है. कई के बार सोचा हूँ ना अपने को ट्रेवल ब्लॉगर नहीं होके फूड ब्लॉगर होना चाहिए था. चलो कोई नहीं, एक ही में दोनों के मज़ा मिल जाएगी आप सबको. सो चलिए आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मॉल रोड में काफ़ी घूम गया और अब थक भी गया हूँ मैं. अब मन कर रहा है होटल में जाऊँ आराम से रात भर सोऊँ, क्योंकि कल रात तो सोया नहीं था, फुल नाइट बस में था और आप बिलीव नहीं करोगे. जो HRTC है, हिमालय सॉरी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट, बहुत ही भयानक ड्राइविंग था उनका.